फाइनली बिगेस्ट एक्शन इंटरटेनर ऑफ 2024 BMCM का ट्रेलर हो चुका है आउट और आते ही तोड़ रहा है सोशल मीडिया के सारे बड़े रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म BMCM के ट्रेलर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर ट्रेलर को एक वर्ड में रिव्यू किया जाए तो एक ही वर्ड है गूज़बम्प्स। जी हाँ, ट्रेलर का हर एक सीन गूज़बम्प्स से भरा हुआ है और ऐसा एक्शन देखा जा रहा है जैसा कि इंडियन सिनेमा में आज तक नहीं देखा गया। स्टोरी वाइज तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक्शन के मामले में ये फिल्म इंडियन सिनेमा की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। और सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के फैंस के लिए यह फिल्म 2024 का सबसे बड़ा तोहफा होने वाली, जो कि ईद के मौके पर सिनेमाघरों में आते ही तमाम बड़े रिकॉर्ड तोड़ देगी। क्योंकि फिल्म का ट्रेलर जैसा देखा जा रहा है, इसको देखने के बाद पता चल रहा है कि यह फिल्म काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है और फिल्म की स्टोरी जितनी सिंपल लग रही थी उतनी नहीं होने वाली। जी हाँ, फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में एक से बढ़कर एक ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं और फिल्म के सभी लीड एक्टरों ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी जो कि ऑडियंस का दिल जीतने वाली है। ओवरऑल कहा जाए तो यह फिल्म अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के करियर की अभी तक की सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट फिल्म होने वाली, क्योंकि फिल्म का बजट लगभग 350 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है और फिल्म का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होने वाले इस फिल्म के विलन पृथ्वीराज सुकुमारन। जी हाँ, जिस तरीके का इनका स्क्रीन प्रेजेंस देखा जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनकी एक्टिंग सभी का दिल जीतने वाली और एक्टिंग के मामले में ये फिल्म सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। और बीच बीच में हमें सोनाक्षी सिन्हा का भी कैमियो देखने को मिला, जिसने कि फिल्म के ट्रेलर में 4 चांद लगा दिए। और ऑल कहा जाए तो ये फिल्म अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ इन दोनों के फैंस को काफी ज्यादा पसंद आने वाली, क्योंकि इनके फैंस को ज्यादातर एक्शन फिल्में ही पसंद आती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो, जिन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहले रियल एक्शन की शुरुआत की थी और इनका एक्शन देखते ही बनता ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आता है। तो और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यह फिल्म 10 अप्रैल 2024 के दिन ईद के मौके पर आने वाली, जिसके लिए फिल्म को इससे अच्छा मौका नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, ईद के मौके पर यह फिल्म काफी बड़ी ओपनिंग ले सकती है। तो अगर आप सभी ने यह ट्रेलर देख लिया तो आप सभी को यह ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।